देखिए बिहार की बहुत बड़ी गरिमा रही है जिसे देश सेवा में सिविल सिटीजन खास करके जा करके, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर है, मेहनत करने की ताकत है, सिर्फ एक सही स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन की जरूरत है। उसके लिए चाणक्य इस अकेडमी को हमने उसी सुविधा के साथ जो दिल्ली में या इंडिया के कहीं भी कर रहे हैं, पटना में आपके लिए हमने यहाँ शाखा खोली हुई है और इतनी बड़ी संख्या में जो बिहार से बीपीएससी में आई इसमें सिलेक्शन आ रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ, अपने पर विश्वास रखें, स्ट्रैटेजी अच्छी बनाएं और एक एक्शन प्लान के साथ पूरी जोश शोर से लगे रहें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। कैसे करें तैयारी ताकि यहाँ के छात्र इजिली पास कर सकें? देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी गेम को जानने के लिए कि अब उसके रिक्वायरमेंट, सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए और साथ साथ में एक सही गाइडेंस के अंदर आप रहिए। बाकी जितने भी सक्सेस स्टोरी स्ट्रैटेजी हैं वो मैंने सक्सेस स्पीक्स के माध्यम से चाणक्य टूल में यूट्यूब चैनल में आपको तमाम सक्सेस स्ट्रैटेजी स्टोरी मेरे बातचीत में स्टूडेंट से जो टॉपर्स से मिल जाएगा, आप उसको देखिए। क्योंकि सबके पास 100 बिलियन सेल्स नहीं बढ़ेगी, कुदरत ने किसी को कम और ज़्यादा नहीं दिया। वहाँ कैसे तैयारी करते थे आप और यहाँ के बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरा नाम विकास कुमार है, 64th बीपीएससी मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मुझे रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयन हुआ। 65th बीपीएससी में मेरा 66th रैंक के साथ डीएसपी के पद पे मेरा चयन हुआ है। मैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि तीन चीज़ों पर ध्यान रखें, धैर्य, विश्वास और अनुशासन, क्योंकि ये वन डे प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और जब धैर्य रख कर लगातार रहेंगे तो उसके बाद जो सेकंड चीज़ है आपको विश्वास, वो भी करना पड़ेगा, विश्वास अपने गुरुजनों पे, अपने गाइड पे जो आपको बता रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें, और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के किसी भी चीज़ की किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को फॉलो करें, सिलेबस को जानें, समझें, टेस्ट सीरीज लगाएं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और जब ये करते हैं तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऑलरेडी आपका हो जाएगा और आप भी सफल हो सकते हैं। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ तो मैं यह भी जरूर कहना चाहूँगा कि भाषा बस एक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, किसी ज्ञान का परिमाप नहीं होता। पूरे देश की सेवा में, स्टेट की सेवा में, समाज की सेवा में भूमिका निभा सकते हैं। मेरा नाम अनिशा राधा है, मैंने बीपीएससी पैसठवी परीक्षा में 18 रैंक हासिल की है और मुझे डिप्टी एसपी का पोस्ट मिला है, और मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो परीक्षा है इसकी जर्नी बहुत लंबी होती है, तो पहला जो चीज़ है वो पेशेंस होता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट और साथ में मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जो टीचर्स जो बता रहे हैं आपके वेलनेसर जो आपको बताते हैं उसको फॉलो करते रहिए और आप इस मंजिल को प्राप्त कर लीजिए। क्या ये मानती हैं कि अच्छे रैंक लाने के लिए दिन रात पढ़ना मुश्किल है या कुछ समय आप पढ़ें तो भी आप पास कर सकते हैं? हॉबीज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है रिक्रिएशन के लिए, बस आप जब 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं तो आपको आप एक सर्टेन पीरियड के बाद वो आपका जो टाइम लिमिट वो होता है वो थ्रेशोल्ड आ जाता है और आप उसके आगे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, तो हॉबीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिस जो आपको रिक्रिएशन में हेल्प करता है। तो बस मैं ये नहीं कहूँगी कि दिन भर आप बस पढ़ते रहिए, जो हॉबीज़ है आपकी उसको भी फॉलो करते रहिए तो बहुत अच्छा करिएगा।